Hello guys, you are watching Zoology Comprehensive. Today we are going to discuss three important topics. These topics belong to the chapter Health and Disease, class 12. The three topics are the cell-mediated immunity, the second topic is active-passive immunity, the third topic is natural-artificial immunity with examples. These three topics we will discuss. First of all, we will take up this cell-mediated immunity. It is cell-mediated immunity. हम सबको पता है कि this is the main branch of adaptive or acquired immunity. The first branch is humoral immunity, जो हमने discuss किया हुआ है. Humoral में production of antibodies हो जाती है और उसमें B lymphocytes का role रहता है. ये ऐसी immunity है जिसमें production of antibodies नहीं रहता है. And this type of immunity is shown by specialized cells called as T lymphocytes. This is shown by specialized cells called as T lymphocytes. ये आप याद रखेंगे. T lymphocytes वैसे cells होती हैं जिनका production bone marrow में हो जाता है and their maturation complete is in thymus, the gland thymus. That is why they are called as T lymphocytes अब जिस टाइप जो इम्यूनिटी दिखाएंगी दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड. इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं रहता एंटीबॉडीज का. इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि सेल डायरेक्टली अटैक करता है. किसको अटैक करता है? एक तो पैथोजन को अटैक करेगा जिसने हमारी बॉडी को इन्वेड किया होगा, पैथोजन उसको, और ये अटैक करता है ग्राफ्ट्स को. ग्राफ्ट्स जो हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का किडनी फेलियर है, किडनी सही से काम नहीं कर रहा, उसको फिर किडनी की जरूरत पड़ती है. जब या किसी का स्किन का कोई ग्राफ्ट जरूरत पड़ता है, जब हम दूसरे से लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलोग्राफ्ट्स, या ग्राफ्ट्स हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेड किडनी या तो स्किन ग्राफ्ट. दीज आर द ग्राफ्ट्स विच आर टेकन फ्रॉम other person. That is why they are called as allografts. इन्हें हम commonly कहते हैं allografts. तो ये कहने का मतलब क्या है? अब ये बात ध्यान से सुनिए मेरी बात. Pathogen उसको directly attack करता है T lymphocytes और directly attack करता है grafts को, यानी कि transplanted kidney को या skin grafts को attack करता है. ठीक है? अभी transplantation जब करना होगा kidney का या skin graft, उसको बचने, फिर सेकंड आपको तो अब पता है कि टी लिम्फोसाइट्स अटैक करेगा. उसके बचने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि उन दो चीजों को करना जरूरी होता है बिफोर ट्रांसप्लांटेशन. कौन कौन सी चीज जरूरी होती है आप याद रखेंगे. फर्स्ट थिंग इज टिश्यू मैचिंग. जब भी डोनर और रिसिपेंट होगा, जब डोनर दे सकता है अपनी किडनी और रिसिपेंट को रिसीव करने हैं, उन दो पर्सन की क्या करनी होती है, टिश्यू मैचिंग जरूरी होती है. वो टिश्यू उनका मैच होना चाहिए. Tissue matching becomes mandatory before transplantation. Second is blood group compatibility. Just remember this. Compatibility. उन दो persons का blood पूरा match होना चाहिए, जाना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो रिकैपिटुलेट में करता हूं, पैथोजेनस और ग्राफ्ट्स को अटैक करता है. मगर ग्राफ्ट्स अभी ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए करने के लिए कौन सी चीज जरूरी बन जाते हैं. फर्स्ट इज टिश्यू मैचिंग, सेकेंड इज दिस ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी मतलब क्या होता है कि उनका ब्लड ग्रुप पूरा मैच होना जाना चाहिए. अगर मैच नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एज इनकंपैटिबिलिटी. उसकी वजह से एक रिएक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं, पेशेंट कैन डाई ऑफ दैट that particular type of reaction. We are discussing this cell-mediated immunity. देखिए, ये हमारी body की खुद की cells को भी attack करता है. ये वाली cells, कौन सी cells? T lymphocytes. कौन सी cells को मगर attack करता है? जिनका infection हुआ होगा. Those cells which have become infected by the viruses. जिनको viruses ने attack किया होगा, invade किया होगा, उन cells को भी attack करता, खत्म कर देता है अपनी बॉडी को बचाने के लिए, या उन सेल्स को जो बनी होगी कैंसरस सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो एबनॉर्मल ग्रोथ दिखा सकती है और वो पूरी टिश्यू को खराब कर सकती है. एंड दैट कैन लीड टू द मेटास्टेसिस एंड पेशेंट जिसे हम कहते हैं द कंडीशन इज कॉल्ड एज कैंसर.
कैंसर को रोकने के लिए कोई भी सेल हमारी बॉडी में अगर कोई अबनॉर्मल ग्रोथ दिखाने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है जो दिखाता है टी लिम्फोसाइट्स और उसको भी अटैक करता है. एंड दिस इज सफिशिएंट, वेरी सफिशिएंट इन दिस पार्ट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. नाउ वी गोना स्टार्ट, वी विल टेक अप द सेकंड पार्ट, दैट इज एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, हम बहुत क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं इम्यूनिटी की. ये क्लासिफिकेशन इस बनाते हैं कि जो हमारी बॉडी की खुद की सेल्स है क्या वो खुद बनाते हैं एंटीबॉडीज या हम एंटीबॉडीज बाहर से लाते हैं. उस बना पे टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बन जाता है, कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी and second is passive immunity. Passive immunity. First of all, we're going to start with this active immunity. अब simple सी बात है, अब याद रखेंगे, body की खुद की cells अगर antibodies बनाती है, when body's own cells produces antibodies, that type of immunity is called as active immunity. तो एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, सिंपल सा है, इन्फेक्शन इसमें. जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म आता है, हमारी बॉडी की खुद की सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है. अगर खुद की सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी. द एग्जाम्पल इज इन्फेक्शन, सिंपली आपको पता ही है. दूसरा इसमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में ये एक डिटेल टॉपिक आपको पढ़ना है. फिलहाल के लिए आप याद रखिए, वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है, जिसमें हम पैथोजन को वीक करते हैं या उसको किल करते हैं. वो हमारी बॉडी में डिजीज नहीं कर सकता है, मगर हम वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो एंटीबॉडीज. कल को वो दोबारा, वो अगर रियल में ऐसा इन्फेक्शन आ सकता है तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होंगी. तो मगर आप याद रखेंगे, जो वैक्सीनेशन की वजह से जो एंटीबॉडीज इंड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं, वो हमारी खुद की सेल्स की एंटीबॉडीज होती हैं. दैट इज व्हाई वैक्सीनेशन कम्स इन दिस एक्टिव इम्यूनिटी. द फर्स्ट एग्जांपल इज इन्फेक्शन, सेकंड इज वैक्सीनेशन. पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी में आप सिंपल याद रखेंगे, जब बॉडी की खुद की सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगी और जब हम एंटीबॉडीज को बाहर से इंजेक्ट करेंगे, व्हेन वी इंजेक्ट द एंटीबॉडीज इन द पर्सन. इसमें क्या क्या एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एग्जाम्पल में कुछ कोट करना चाहूंगा जिसकी वजह से ये पूरा वाइट टॉपिक आपको समझ आ जाएगा. द फर्स्ट एग्जांपल इज स्नेक वेनम. देखिए, जब स्नेक फाइट करता है उतना टाइम नहीं होता, हमारी बॉडी पहले एंटीबॉडीज बनाए फिर वो फाइट करे, उतना टाइम नहीं होता है. दिस कंडीशन इज अ वेरी लीथल, इट कैन किल अ पर्सन. इसके लिए क्या होता है, हम पहले पेशेंट को क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल कुछ एंटीबॉडीज लाते हैं, यानी कि वो हॉर्स के प्लाज्मा से या किसी ऐसे पर्सन के प्लाज्मा से जिसकी एंटीबॉडीज बहुत सारी होते हैं. प्लाज्मा से एंटीबॉडीज ऑलरेडी हम ला के रखते हैं, फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक पर्सन में. अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी में आता है. द एग्जाम्पल इज स्नेक वेनम में हम ऐसा करते हैं, रैबीज में ऐसा करते हैं, जब डॉग बाइट हो जाता है तब जाके हम इम्यूनोग्लोबिन पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम पेशेंट को बचा सकते हैं, क्योंकि दीज डिजीजेस, दीज कंडीशंस आर वेरी लीथल, ये एक इंसान को मार सकते हैं. दैट इज व्हाई स्नेक वेनम, रैबीज, टेटनस में हम यहां से इंट्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज. अगर यहां से अपनी बॉडी नहीं बना रही है तब जाके पैसिव में आएगा टेटनस. एंड फोर्थ वन इज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज साल्मोनेला इन्फेक्शंस. ये भी एक बैक्टीरियल कंडीशन है, साल्मोनेला इन्फेक्शंस. साल्मोनेला इन्फेक्शंस में आप याद रखेंगे, लाइक टाइफाइड फीवर हो जाता है. टाइफाइड फीवर होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, जिसे हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफाइड. उनको बचाने के लिए, वैसे डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, हम यहाँ से कभी कभी ऐसी कंडीशंस जरूरत पड़ती है कि जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एंटीबॉडीज, जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द हेडिंग कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी. मैं ओवरऑल आप सबके लिए रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी, when there is a production of antibodies by body's own cells, that is called as active immunity. Example is infection and vaccination. Second is passive immunity, when the antibodies are injected into the person, jab inject kiya jata hai. The examples are snake venom, rabies, the tetanus,
Salmonella infection. अभी जो आज का डिस्कशन है इसका हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने जाएंगे और सारे एग्जांपल्स उसमें पूरी कोट करेंगे. द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज इट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. अभी नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है. नेचुरल जब हमारा ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है तब जाके वो नेचुरल होगा. अगर हमारा इंटरफेरेंस या हमारा डिलिब्रेशन रहता है तब जाके आर्टिफिशियल बन जाता है. एग्जाम्पल्स की वजह से ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी. आर्टिफिशियल दीज क्वेश्चन आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक नीट. बहुत बारी चीजें पूछी गई है. नेचुरल इम्यूनिटी की एग्जाम्पल्स, आर्टिफिशियल की एग्जाम्पल्स, एक्टिव की, पैसिव की एग्जाम्पल्स. एक सिंपल सा चार्ट में बनाऊंगा तो सारी चीजें आप टैकल डील कर सकते हैं. आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड नेचुरल. लुक, नेचुरल में पहले हम एक्टिव डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स. एक्टिव क्या आएगा इसमें, यहां पे पैसिव क्या आएगा, आर्टिफिशियल में एक्टिव क्या आएगा और पैसिव क्या आएगा. वी हैव टू कोट सम एग्जाम्पल्स. लुक, नेचुरल ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. लुक, एक्टिव यानी कि बॉडी की खुद की सेल्स एंटीबॉडीज बना रही है. तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस खुद ही आ गई हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में खुद ही एंटीबॉडी जनरेट हो गई हमारी सेल से. इट इज नेचुरल, इट इज एक्टिव. पैसिव में क्या आप इसका एग्जाम्पल क्या आप कोट कर सकते हैं. इसमें आप एग्जाम्पल कोट सकते, देखिए इंटरफेरेंस कुछ नहीं होना चाहिए, नेचुरली सब कुछ होना चाहिए, मगर बॉडी की खुद की एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए. तो एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, मैटर्नल एंटीबॉडीज. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैटर्नल एंटीबॉडीज. मैटर्नल एंटीबॉडीज, जो ये मैटर्नल एंटीबॉडीज है, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू फीटस इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस करता है लाइक इम्यूनोग्लोबिन जी. फीटस की खुद की एंटीबॉडी नहीं है, मदर की है, मगर मदर से फीटस में आ रही है, नेचुरली आ रही है, मगर इसकी खुद की नहीं है. खुद की नहीं है तो पैसिव है, मगर नेचुरली है, नेचुरल है और पैसिव है. एक तो यह एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन बेबी इनिशिएट्स स्टार्ट्स फीडिंग आफ्टर एन आवर आफ्टर डिलीवरी. एक घंटे के बाद जो वो फीडिंग स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में कोलोस्ट्रम होता है. फर्स्ट 3 or 4 days ऑफ मिलिंग दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. दैट कंटेन्स, दैट इज वेरी रिच, आप सबको पता होगा, दैट इज वेरी रिच इन एंटीबॉडी कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन ए. दैट मीन्स इम्यूनोग्लोबिन ए पैसिव इम्यूनिटी में आएगा मगर नेचुरल है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज इट इज इम्यूनोग्लोबिन जी एंड इम्यूनोग्लोबिन ए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. अभी आर्टिफिशियल की बात करते हैं. आर्टिफिशियल में आप याद रखेंगे ह्यूमन इंटरफेरेंस है. देखिए एक्टिव होना चाहिए, बॉडी की खुद की सेल्स है, मगर ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है. इसमें वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन आएगा. ये एग्जांपल सारे आप कोट करेंगे, वैक्सीनेशन और या जिसे हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. पैसिव में इसमें आप याद रखेंगे जो अभी मैं बात कर रहा था, स्नेक वेनम की, टेटनस की, रेबीज की, इसमें सीधे एंटीबॉडीज ट्रांसफर हम करते हैं. यहां पे भी एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही है मगर नेचुरली हो रही है. यहां पे एंटीबॉडीज बाहर से ट्रांसफर कर रहे हैं मगर नेचुरली नहीं हो रही, आर्टिफिशियली आप कर रहे हैं. या तो आप प्लाज्मा, हॉर्स प्लाज्मा से लेते हैं या किसी और प्लाज्मा से लेते हैं एंटीबॉडीज ट्रांसफर. लुक एट दिस चार्ट, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी. लुक, इट इज अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. नेचुरल में आपको पता है एक्टिव, एक्टिव में इन्फेक्शन आ जाएगा. पैसिव में मैटर्नल एंटीबॉडीज. फिर आर्टिफिशियल की बात करते हैं, एक्टिव में वैक्सीनेशन आएगा और पैसिव में एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ट्रांसफर आ जाएगा. एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक चार्ट बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम
पूरा इम्यूनिटी का, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी. इट इज इम्यूनिटी. It is the first type is innate. हमने ये डिस्कस किया हुआ है. It is acquired. Acquired के और दो टाइप्स बन जाते हैं, humoral या cell mediated. Cell mediated immunity. यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो जाती है और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नहीं हो जाती है. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज शोन बाय बी लिम्फोसाइट्स, दिस इज शोन बाय टी लिम्फोसाइट्स. आप सबको पता है. ह्यूमरल के फिर हम और एक टाइप निकालते हैं, या ओवरऑल हम एक्वायर्ड के टाइप निकालते हैं या ह्यूमरल के ही टाइप हम बताते हैं. इसके और एक टाइप बन जाते हैं, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. That is natural and artificial. Natural में आप आपको पता है, it is active, it is passive. Active and passive. यहां पे भी active and passive. Active में आप याद रखेंगे infections. और यहां से नेचुरल भी है इन्फेक्शंस, और यहां पे मैटरनल एंटीबॉडीज आप याद रखेंगे, मैटरनल एंटीबॉडीज. आर्टिफिशियल में आप याद रखेंगे, दिस इज आर्टिफिशियल, दिस इज नेचुरल. आर्टिफिशियल में याद रखेंगे आप एक्टिव, वैक्सीनेशन, इट इज वैक्सीनेशन एंड इट इज एंटीबॉडी ट्रांसफर, लाइक इन स्नेक वेनम. Antibody transfer. I hope you will get this. आपको ये चीजें आराम से समझ आ जाएंगी और इस फ्लो चार्ट की वजह से आप नीट का कोई भी ऑब्जेक्टिव टैकल कर सकते हैं. I wish you good luck. Thank you so much.